कार्तिक मास को शास्त्र रे एक पुण्य मास भावे वर्णना करा जाय छि। पुराण अनुजाई साधारण दिन रे हजार बार गंगा स्नान रु जेउ फल मिलिथाय, कार्तिक मास रे सूर्योदय पूर्वरु जे कोनोसी नदी रे स्नान करबा द्वारा समान फल मिलिथाय। शास्त्र अनुजाई कार्तिक स्नान रो आरंभ शरत पूर्णिमा ठारु आरंभ होई कार्तिक पूर्णिमा रे शेष हुए। पद्म पुराण अनुजाई जो व्यक्ति माने कार्तिक मास रे सूर्योदय पूर्वरु उठी नदी किंबा पोखरी रे स्नान करी भगवान विष्णु को पूजा करती, भगवान विष्णु सेमानक उपरे अशेष कृपा करती। पद्म पुराण रो कहानी अनुजाई कार्तिक स्नान एवं पूजा पाठ करी देवी सत्यभामा भगवान श्रीकृष्ण को पत्नी हेबार सौभाग्य पाइथिले। तेबे आसंतु जानिबा कार्तिक स्नान रो पौराणिक कहानी। कार्तिक मास रो महिमा जानिबा पई कुमार कार्तिक भगवान शिव को पचारिथिले काहे कि कार्तिक मास को सबठारु पुण्य मास कहा जाय। भगवान शिव उत्तर रे कहिथिले जेपरि नदी मध्य रे गंगा सर्वोत्तम, देवता मानक मध्य रे विष्णु सर्वोत्तम, सेहिपरि मास मध्य रे कार्तिक सर्वोत्तम। एहि मास रे भगवान विष्णु पानी भीतर रुहंती, तेणु एहि मास रे नदी और पोखरी रे गाधेबा द्वारा भगवान विष्णु को पूजा और साक्षात करिवार पुण्य मिलिथाय। जेतेबेले भगवान विष्णु श्रीकृष्ण रूपरे अवतारित हेले, रुक्मिणी एवं सत्यभामा तांकर पातराणी हेले। सत्यभामा तांकर पूर्व जन्म रे जने ब्राह्मणक झियो थिले, जौवन काल रे तांकर स्वामी एवं पिता को एक राक्षस हत्या करथिला। एहा परे ब्राह्मण झियो कांदिबारे लागिला, एहा परे से भगवान विष्णु को भक्ति रे निज को समर्पित कर देले। से सबु एकादशी रे उपवास रखिले एवं कार्तिक मास रे से सूर्योदय पूर्वरु नियमित स्नान करी भगवान विष्णु एवं तुलसी को पूजा कले। दिने जेतेबेले ब्राह्मण को झियो कार्तिक स्नान पई गंगा रे बुड़ पकाइले, से ज्वर रे थरी थरी गंगा कूल रे मृत्यु वरण कले। ए समय रे विष्णु लोकरु एक विमान आसिला एवं ब्राह्मण को झियो रे दिव्य शरीर को विमान रे बसाई विष्णु लोक नै चली गले। जेतेबेले भगवान विष्णु कृष्ण भावे अवतारित होइथिले, सेतेबेले ब्राह्मण को झियो सत्यभामा भावे जन्म नेले। कार्तिक मास रे प्रातः स्नान करिथिबारु से भगवान श्रीकृष्ण को पति रूपे पाइथिले। दीप दान करिथिबारु सत्यभामा सुख एवं धन प्राप्त कले। तुलसी को नियमित भावे जल अर्पण करी जने सुंदर उद्यान रो आनंद पाइले। तेबे आसंतु जानिबा एहा पछरे थिबा किछि वैज्ञानिक कारण। शरत पूर्णिमा परठारु कार्तिक मास रो प्रातः स्नान आरंभ हेबा विधि रहिछि। पृथ्वीर परिभ्रमण एवं परिक्रमण कारणरु वर्षको दुई थर एहा सूर्यक निकटतर होइथाय। ग्रीष्म ऋतुरे एहार निकटतर रसर शोषक होइथिबा बेले शरतरे एहार निकटतर रसर पोषक होइथाय। आयुर्वेदरे एहि अवधिकु विसर्ग अवधि कुहाजाय, अर्थात एथिरे वायुर शुष्कता कमिजाय एवं चन्द्रर शक्ति बढिजाय। सूर्य दक्षिणरे थिबा कारणरु सूर्यक किरण उत्तर गोलार्धरे पडे, फळरे भारत वर्ष सूर्यक ठारु दूरै जाय, फळरे एठारे शीत अनुभूत हुए। भारतीय समाज रे कार्तिक मास रे ब्राह्म मुहूर्त रे ठंडा पानी रे गाधेबार परंपरा रहिछि, जहाँ शरत पूर्णिमा परे आरंभ हुए। आयुर्वेद रो प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता रे ई जल रे औषधीय गुण बढ़ी जाए, कारण दिन रे सूर्य किरण द्वारा जल गरम हुए एवं रात्रि रे चंद्र किरण स्पर्श रे जल ठंडा हुए। फल रे ए पानी रे स्नान करबा हेतु शरीर रे थिबा अनावश्यक पित्त बा अन्यान्य आवर्जना बाहरी आसे आउ शरीर डिटॉक्स होइथाय। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएनएस ओडिया।